चलिए चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर टू है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो कि अगर आप नहीं समझेंगे तो आप इसकी केस स्टडीज आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं क्या। एक्चुअल में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, यानी कि काफ़ी डिटेल्ड और एक जनरल गाइडलाइंस है। अब गाइडलाइंस क्या होता है, यानी कि वो तरीका जो हमें बताया जाता है कि आप इस तरीके से काम कीजिए तो ये अच्छा होगा कुछ ना कुछ, यानी कि कुछ गाइडलाइंस हमें बताया जा रहा है जो हमें मदद करेंगी। किसको मदद करेंगी? मैनेजर्स को, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स कौन सी हैं? मैनेजमेंट की, इन डिसीजन मेकिंग, कि आप किस तरीके से कब क्या डिसीजन लें उसकी एक गाइडलाइंस है। अब क्या सर हमें ये एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन देता है किसी चीज़ का? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। एक जस्ट गाइडलाइन है कि आप इसको फॉलो करो, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको ऑल्टर कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई कर सकते हो, बट एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। एक गाइडलाइन रहेगा किस चीज़ का? डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। अब सर इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? देखो तीन टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो हम कवर करने वाले हैं। 4 से 5 वीडियोस आएंगे इस चैप्टर की, काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो ध्यान से कवर करेंगे। सबसे पहले क्या कवर करना है? प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फियोल। हेनरी फियोल कौन है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए, डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर टू, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये कौन है, इन्होंने क्या क्या दिया, ये हम डिस्कस करेंगे। और साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, इन्होंने ही कोई टेक्निक्स भी दी, यानी कि टेलर का कंट्रीब्यूशन, दो चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, और फियोल का कंट्रीब्यूशन, फियोल के प्रिंसिपल्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ये तीन मेन टॉपिक्स, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप बहुत आराम से कर लेंगे। मेजर ये तीन टॉपिक्स कवर करने हैं हमने इस चैप्टर में। तो चलिए आज की हम वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में। तो चलो यार देखो, सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या। अब मैनेजमेंट क्या होता है ये तो आप चैप्टर 1 में समझ के आ चुके हैं। अगर आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, तभी आपको समझ आएगा मैनेजमेंट क्या है। सर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट तो करना है बट किसकी मदद से करना है? साइंस की मदद से करना है। साइंस का मतलब हम लोग वो चीज़ें करेंगे जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, हमारे को हेल्प करेंगी डिसीजंस लेने में और अच्छे डिसीजंस लेने में। नेक्स्ट क्या आता है सर? प्रिंसिपल्स जो किसने दिए? टेलर ने दिए। सर टेलर का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? देखो टेलर को बोला गया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब इनका जो मेन फोकस था वो पहली बात फैक्ट्रीज के ऊपर रहा। इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज के ऊपर टेक्निक्स दी, वर्कर्स के ऊपर इन्होंने कंट्रीब्यूट करा, अपनी इंजीनियरिंग, क्योंकि इनका बेसिकली जो जॉब था वो मैकेनिकल इंजीनियर का था, और इंजीनियरिंग स्किल्स लगा के इन्होंने साइंस यूज़ करते हुए बहुत सारे प्रिंसिपल्स और बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप करे जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज पढ़ेंगे टेलर के दिए हुए कुछ प्रिंसिपल्स। टेलर ने मेनली 4 प्रिंसिपल्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नंबर टू, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पैरिटी। तो चलिए इन चारों ही प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। गाइस मेरी एडवाइस यही है, प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी बहुत डिटेल में सारे प्रिंसिपल्स पढ़िएगा। मैंने शॉर्ट में चारों के मेन जो एक प्रिंसिपल कन्वे करना चाहता है मीनिंग वो लिखा है, बट आप एनसीईआरटी रीड जरूर करिएगा। क्या लिखा है सबसे पहले प्रिंसिपल्स में? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कि टेलर ने कहा आप साइंस को फॉलो करो, रूल ऑफ थंब को फॉलो मत करो। साइंस को फॉलो करो, रूल ऑफ थंब। सर व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ थंब? रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने कोई चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, वो साइंटिफिक नहीं है। मैंने कुछ उसके ऑब्जर्वेंस नहीं करी, मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बस चलता आ रहा है एक तरीके से, कि अगर मेरे फादर कोई टेक्निक फॉलो करते हैं तो मैं भी वही फॉलो करूंगा। दैट इज रूल ऑफ थंब, कि जनरेशन बाय जनरेशन या पर्सन बाय पर्सन चलता आ रहा है, हम उसमें अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। टेलर ने कहा वो चीज़ फॉलो मत करो, आप हर चीज़ में साइंस लगाओ। यानी हर चीज़ को करने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड होता है जो डेवलप करा जा सकता है साइंस से, तो आप साइंस लगाओ, उसको फॉलो करो। क्या लिखा है?
एवरी जॉब शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी. हर चीज को आप साइंटिफिकली समझो एंड नॉट ऑन इंट्यूशन. आपको फीलिंग क्या आ रही है ये नहीं होना चाहिए. एक्सपीरियंस क्या बोलता है वो भी नहीं होना चाहिए. एंड हिट एंड मिस कि चलो ट्राई कर लेते हैं, ये हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कुछ और ट्राई कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. हर चीज़ किस पे बेस्ड होनी चाहिए? साइंटिफिक इंक्वायरी. टेलर ने बोला कि देर इज ओनली वन बेस्ट मेथड. टेलर ने कहा एक ही मेथड होता है जो आपकी इफिशियंसी को मैक्सिमाइज करेगा. अब वो मेथड कैसे डेवलप करो आप? थ्रू वर्क स्टडी एनालिसिस. वर्क स्टडी एनालिसिस सर ये क्या? बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो टेलर ने दिए हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है. ये टेक्निक्स जब हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वर्क स्टडी क्या होता है. मोशन, मेथड, फटीक, टाइम, बहुत सारी स्टडीज़ हैं, वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो इसका मतलब टेलर ने बोला कोई भी काम करो सर, साइंस लगाओ, रूल ऑफ थंब मत लगाओ, अपना एक्सपीरियंस इंट्यूशन मत यूज़ करो, साइंस को यूज़ करो. यानी कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप उसमें कोई आइडिया मत दो या इमेजिनेशन फिगर मत दो. आप उसको साइंटिफिकली मेजर करो कि इस काम को करने में इतना टाइम लग रहा है, तो एक वर्कर को इतना टारगेट देना है. साइंटिफिकली करना है हर काम को. दैट इज साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब. सेकंड इज हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड. नाउ हार्मनी फॉलो करना है, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए. मतलब हार्मनी का मतलब यह है कि आपको सारा काम पीस के साथ करना है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में एक म्यूचुअल ट्रस्ट बना हुआ हो और बिल्कुल भी अपने बारे में कोई ना सोचे. अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में मेनली दो ग्रुप्स काम करते हैं, एक मैनेजमेंट और दूसरा वर्कर्स. दोनों की ही आपस में मेंटालिटी ये होती है, मैनेजमेंट सोचता है कि वर्कर्स अच्छे से काम नहीं करते, वर्कर ये सोचते हैं कि हमें पैसा कम दिया जाता है और काम ज़्यादा दिया जाता है. तो दोनों की ही आपस में जो माइंडसेट है वो एक दूसरे के टुवर्ड्स नेगेटिव है. टेलर ने कहा ये नहीं होना चाहिए, आपस में हार्मनी पीस होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए. क्या लिखा? कि वर्कर्स एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क इन हार्मनी, आपस में मिलकर काम करें विद ईच अदर. देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू. दोनों में ही आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी काम अच्छा रहेगा. टेलर इंसिस्ट ऑन मेंटल रेवोल्यूशन. अब सर मेंटल रेवोल्यूशन ये भी एक टेक्निक है जो टेलर ने प्रोवाइड करा है, अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. वैसे मेंटल रेवोल्यूशन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं क्या है, कि देयर शुड बी अ कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड फॉर ईच अदर. यानी कि वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचें, बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें. ये है मेंटल रेवोल्यूशन. इसको लगाया जाए, आपस में सब मिलकर काम करें, कोई भी डिस्कॉर्ड वाली फीलिंग ना हो. दैट इज हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड. अब इसका जब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एनसीईआरटी में एक पैटर्नलिस्टिक पैटर्न के बारे में बताया गया है. यानी कि हमारे यहाँ पे इंडिया में तो नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ में वर्कर्स और मैनेजमेंट में अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो वो लोग काम छोड़ते नहीं हैं, इवन अपने एक बैज लगा लेते हैं या फिर ब्लैक बैंड मान लेते हैं और उस पर और ज़्यादा काम करते हैं ताकि वो मैनेजमेंट की सिंपथी गेन कर पाएँ. यानी कि अगर हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो काम छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है. वो इवन और ज़्यादा काम करते हैं जिससे वो अपना एंगर, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं. तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड का. थर्ड कौन सा आ जाता है सर? कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी तो इससे मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलता जुलता है. इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड. यानी कि अगर इसी प्रिंसिपल को हम और आगे एक्सटेंड कर दें तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. अभी यहाँ तो बोला गया था कि आप लोग आपस में मिलजुल के सारा काम देखना है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी है. अब यहाँ तक तो थॉट प्रोसेस तक ठीक था, यहाँ इसने बोला कि काम करो तो वो भी मिलके करो, कॉपरेशन में करो. कोई भी यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म, सिर्फ अपने अपने बारे में नहीं सोचना है, सब लोग मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, दोनों को बेनिफिट होगा, मैनेजमेंट को भी और वर्कर्स को भी. इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड. मैनेजमेंट एंड वर्कर्स मस्ट वर्क इन कॉपरेशन, कॉपरेट करके काम करें. मैनेजमेंट शुड वेलकम सजेशंस ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स को कहा जाए कि आप सजेस्ट करो आपको क्या अच्छा चाहिए. एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर गुड सजेशंस. उनको रिवॉर्ड्स दिए जाए, अवार्ड्स दिए जाए अच्छे सजेशंस के लिए. ऑल्सो अब ये तो अपनी जिम्मेदारी मैनेजमेंट निभा रहा है, तो क्या वर्कर्स की भी कुछ जिम्मेदारी है? बिल्कुल. एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन अननेसेसरी स्ट्राइक्स पे नहीं जाना है आपने. देयर शुड बी एन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम. आपस में अच्छे से बातचीत करो, मसले अगर कोई मैटर है तो उसको सॉर्ट आउट करो. आप लड़ाई झगड़ा मत करो, कॉपरेशन में चलो. देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क, काम अगर मिल रहा है
तो मैनेजमेंट भी उतना ही काम करे जितना वर्कर्स करता है। अच्छे से काम करो, मिलजुल के एक साथ काम करो, साइड बाय साइड काम करो, दोनों को अच्छा लगेगा। दैट इज कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। सर लास्ट प्रिंसिपल कौन सा दिया टेलर ने? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब टेलर ने कहा सर एक फैक्ट्री का डेवलपमेंट किस पे बेस्ड होता है? वर्कर के डेवलपमेंट पे। अगर आपको अच्छा काम चाहिए फैक्ट्री में तो अच्छे वर्कर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो वर्कर शुड बी सेलेक्टेड केयरफुली। आप जब भी वर्कर्स का सिलेक्शन करो तो बहुत केयरफुली करो, आपके काम के अकॉर्डिंगली करो। एंड आफ्टर सिलेक्शन जॉब मस्ट बी प्रोवाइडेड एज पर देयर क्वालिफिकेशंस। उनके क्वालिफिकेशंस चेक करो, साइंटिफिकली सारी चीज देखो कि वो किस काम में परफेक्ट है, फिर उन्हें वही काम अलॉट करा जाए, फालतू काम ना दिया जाए। जिस काम में वो परफेक्ट है वही काम दो, तो स्पेशलाइजेशन आएगा, अच्छा काम होगा। इसके साथ साथ जब वो काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय शुड बी गिवन ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनको भी तरक्की हो और ऑर्गेनाइजेशन को भी उससे बहुत फायदा मिले। इससे दोनों का ही बेनिफिट हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा और वर्कर्स का भी डेवलपमेंट होगा टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये थे गाइस फोर प्रिंसिपल्स जो किसने प्रोवाइड करे? टेलर ने। आप बहुत अच्छे से चारों को पढ़ो, कुछ इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी से रीड करने के बाद इनकी कुछ केस स्टडीज ट्राई करो। केस स्टडीज ट्राई करोगे तभी बिजनेस में मार्क्स बनेंगे, अदरवाइज ट्वेल्थ में बिजनेस में मार्क्स नहीं आएंगे। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।